हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बच्चे आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 लेक्चर नंबर 10। तो चलो शुरू करते हैं, एक नए कंटेंट की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है इसका, एप्लीकेशन जिसका आगे का जो बोलते हैं ना स्टडी है, वो आप 12th में सीखने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, ठीक है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हो यहाँ पे, क्लियर है। तो चलो शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये होता क्या है। तो पहले मैं कुछ आपको थोड़े से इसके अंदर भी कुछ बेसिक बताऊंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसके अंदर आप सीखेंगे डैनियल से, तो ये शुरुआत कहां से होती है, क्या होता है ये सब। चलो पहले मैं बात करूंगा, कंसीडर करो कि बच्चे आपके पास इस तरह से एक, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया हुआ है। इस बीकर में मैंने एक सोल्यूशन ले लिया और सोल्यूशन है मेरा कॉपर सल्फेट का। ध्यान देना, एक चीज को समझते चलो, ठीक है। तो ये मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया, जो कि ब्लू कलर में होता है। नहीं पता तो पता कर लो आप लोग, ये ब्लू कलर में होता है। इसके अंदर मैंने एक रॉड डाल दिया जो कि जिंक रॉड है, ठीक है। ये मैंने ऐसे एक जिंक रॉड डाल दिया, तो अब क्या होता है बच्चे, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये जो जिंक होता है ना, ये टूट टूट के इसमें गिर रहा है। टूट टूट के क्या हो रहा है बच्चे, इसमें गिर रहा है, मतलब कि कुछ समय के बाद आपने देखा कि ये जो रॉड है उसका साइज थोड़ा सा पतला हो गया नीचे से। आप जो पार्ट इसमें पानी में डूबा हुआ है ना, या पानी मत बोलो आप इसको सोल्यूशन बोलो, जो सोल्यूशन में डूबा हुआ ना कॉपर सल्फेट में, वो थोड़ा सा ऐसा पतला हो गया दिखाई दे रहा है। ये सब पार्ट कट के निकल गया, इसमें से टूट के नीचे चला गया। तो मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही कि यार इलेक्ट्रॉन ये टूट के कैसे निकला होगा, ये तो जिंक है, जिंक सोल्यूशन के अंदर आ गया, मतलब कि जिंक क्या बन गया होगा, एक्वस सोल्यूशन। तो सोचो पहले कि जो जिंक पहले सॉलिड था वो बन गया जिंक आयन, जिंक 2+ बन गया। ऐसा कब हुआ होगा, जब उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, मतलब कि जिंक 2+ अंदर चले आ रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हो रहा है, इसके ऊपर आके जमा हो रहा है, रॉड के ऊपर आके जमा हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ रहा सबको। तो कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिली इसके अंदर, कि यार पहला तो चीज़ मुझे ऑब्जर्व करने के लिए मिला कि जो जिंक जो रॉड है उसका वेट कम हो गया, तो आपको मिला लेस वेट। दूसरा आपने क्या अंदाजा लगाया, दूसरा आपने क्या एक अंदाजा लगाया, ये एक एक्सपेरिमेंट था बच्चे। दूसरा ये अंदाजा लगा कि यार इसमें कोई कुछ हम एडिशन नहीं कर रहे, कुछ मिला नहीं रहा हूँ, फिर भी ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये सब आपके लिए नया वर्ड है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जो खुद से हो जाता है, खुद से हो रहा है बच्चे, आप कुछ नहीं कर रहे, खुद से हो रहा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो एक तो आपका जिंक का जो रॉड उसका वेट कम हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। तीसरा आपने जब चेक करना स्टार्ट किया तो देखा कि जब ये जिंक टूट टूट के इसके अंदर गिर रहा है, तो धीरे धीरे ये ब्लू कलर क्या हो रहा है आपका, जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो गायब हो रहा है बच्चे, मतलब कि गायब हो गया, डिसअपियर, और एक नया कलर जनरेट हो रहा है, मतलब ये जिंक का जो कलर होता है वो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। मतलब हल्का सा रेड पीपीटी जैसा बन जा रहा है, या रेड कलर बोलेंगे कि रेड कलर या ब्राउन कलर बोल सकते हो, हल्का सा जिंक का जो कलर होता है वो यहाँ पे आके जमा हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं ब्रैकेट में लगा रहा हूँ कि ब्लू कलर डिसअपियर, चलेगा, ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, डिसअपियर हो रहा है, क्लियर है। ये चीजें मुझे देखने के लिए मिली। साथ में फिर जब मैंने क्या किया, थर्मामीटर अंदर डाल दिया, एक मैंने थर्मामीटर लिया, मैंने बोला चेक करता हूँ भाई थर्मामीटर क्या बता रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि थर्मामीटर जब अंदर मैंने डाला, तो मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इसका लगातार टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें हीट क्या हो रहा है बच्चे, रिलीज हो रहा है कहीं ना कहीं, हीट भी क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चलेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑब्जर्व किया, ये मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑब्जर्व किया। तो मुझे जो उस टाइम पे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने देखा कि यार ये चीजें हो रही है, इसका मतलब ये हीट एनर्जी कहीं ना कहीं मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं किसी और एनर्जी में, तो क्यों ना मैं इस हीट एनर्जी को यूज करूं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। क्या जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। मतलब इन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम बैटरी यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं, ठीक है, रिमोट में यूज करते हैं, ये सब सेल क्या है बच्चे, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा किया उन्होंने, तो उनको आइडिया मिला कि यार कहीं ना कहीं मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि हीट निकल रहा है, और जहां पे हीट निकलता है बच्चे उसका कन्वर्जन आप आसानी से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हो, चलेगा। तो अब मैं सिखाने वाला हूं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, बहुत सारे नाम होते हैं, गैल्वेनिक सेल बोल दो या फिर वोल्टाइक सेल बोल दो, ये सब एक ही चीज है बच्चे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है भाई, केमिकल टू इलेक्ट्रिसिटी, आ रहा है समझ में। अगर केमिकल रिएक्शन का कन्वर्जन किसमें कर रहा हूं मैं,
इलेक्ट्रिसिटी में करा, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा उसके थ्रू मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस सेल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, मतलब उनका अंदर का रिएक्शन हो रहा है और उसके थ्रू मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये तो पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैलोनिक सेल है, वोल्टेक सेल है, सब एक ही चीज है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आते हैं। इसके अंदर आप आगे सीखेंगे डैनियल सेल, फिर आगे सीखेंगे कि हाइड्रोजन से रिलेटेड जो सेल होते हैं, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड आपको मिलता है, और बहुत सारे सेल मिलने वाले। लेकिन हमें यहाँ पे क्या सीखना है, 11th में हमें सीखना है सिर्फ और सिर्फ डैनियल सेल के बारे में। आप बोलेंगे सर ये डैनियल सेल क्या होता है, बच्चे डैनियल सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही समझना। अब डैनियल सेल भी बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि जिंक कॉपर सेल, या फिर आपने ले लिया कि भाई सिल्वर निकल सेल, ठीक है, या आपने ले लिया क्रोमियम लेड सेल, ऐसे अलग अलग सेल मिलेंगे। ये सब आपको डिटेल में 12th में मिलने वाला है। हमें आज सीखना है जिंक कॉपर सेल के बारे में, 11th में हमारे लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिंक कॉपर सेल के बारे में, चलेगा? ये बेसिक सबको समझ में आ गया कि अब अभी मेरा क्या एम है, पूरा का पूरा एम है बच्चे डैनियल सेल सिखाना है आपको, जो कि जिंक कॉपर सेल होता है, चलेगा? कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी कि इस ये मुझे क्यों सीखना है, क्योंकि ये जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल का एक पार्ट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को या फिर केमिकल रिएक्शन से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे ये थ्योरी आई, जब ये रिएक्शन किया गया या फिर जब ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा किया गया, तो उनको बहुत सारे रिसर्च, ये रिसर्च के बाद बहुत सारे पॉइंट्स सामने आए और उस पॉइंट के थ्रू ये आइडिया मिला कि यार इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जा सकता है इस मेथड से, चलेगा? कोई कंफ्यूजन है जिसको लिखना तो फटाफट लिख सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने नॉलेज के लिए। क्लियर है बच्चे? चलो तो इसको मैं रफ कर दूं जल्दी से, इतना टाइम आपके लिए बहुत है कॉपी करने के लिए। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको प्रॉपर डैनियल सेल के एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक एक चीज को समझो, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कैसे सारी चीजें हुई होंगी, बहुत इजी है। जो बता रहा हूं उसको बस ध्यान से सुनो कि क्या है इसके अंदर, कैसे आप इसके साथ डील करेंगे। तो अब मेरा अगला जो टॉपिक होने वाला है, ये जो कंटेंट जो मैंने सिखाया बच्चे, ये सिर्फ एक बेसिक आपको मैंने बताया कि क्या था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, ये मैंने आपको बताया। अब जो होने वाला है वो प्रॉपर आपके सिलेबस का कंटेंट होगा, ठीक है? 12th में यही कंटेंट रिपीट होता है दोबारा, जो मैं सिखा रहा हूं ये दोबारा रिपीट होगा, डैनियल सेल वापस से आएगा, लेकिन तब उसके अंदर आप सेल रिएक्शन उसका न्यूमेरिकल सब सीखेंगे। यहां पे सिर्फ आपको सिर्फ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है। चलो नजरें बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज दिखाई दे रहा होगा, हर एक चीज क्लियर होगा जो मैंने स्टार्ट किया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डैनियल सेल, यहां पे टाइटल लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको पता चले कि हम क्या सीख रहे हैं। डैनियल सेल का एक और नाम हो सकता है जिंक कॉपर सेल, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम होता है जिंक कॉपर सेल, नाम से पता चल गया कि हाँ जिंक और कॉपर कहीं कहीं मैं यूज करने वाला हूं। देखो मैं क्या ले रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा, मैं यहां पे बच्चे दो बीकर ले रहा हूं, ये रहा मेरा बीकर नंबर 1, देखो जरा अच्छे से, और उसी के बाजू में मैं एक और बीकर ले रहा हूं। एक चीज को समझते चलो, दो बीकर मैंने लिया हुआ, एक लिया है मैंने बीकर नंबर 1, एक लिया है मैंने बीकर नंबर 2। ध्यान से समझो जरा एक चीज को, पहले बीकर में मैंने क्या किया बच्चे, पहले बीकर में क्या किया, सेम साइज के बीकर, कंफ्यूज मत होना, पहले बीकर में मैंने क्या किया है, मैंने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। किसका सोल्यूशन लिया बच्चे, मैंने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया। आपको समझना ये है कि भाई जिसका सोल्यूशन लेंगे उसी का रॉड उसके अंदर डालना है फिलहाल, ठीक है? तो ये मैंने ले लिया है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। सोल्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जिंक 2+ और SO4 2- के फॉर्म में होता है। सोल्यूशन का मतलब ये समझना कि अगर कोई भी चीज, जैसे आपने बोला कि भाई सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, अभी सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट होता है, पानी में रहे तो सोल्यूशन बन जाएगा, तो इसका मतलब वो सोडियम Na+ होगा और Cl- होगा। वैसे अगर मैंने बोला कि जिंक सल्फेट का मैंने सोल्यूशन लिया है, एक्वस फॉर्म में लिया, तो इसका मतलब जिंक 2+ होगा, SO4 2- होंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर यही चीज मैंने यहाँ पे लिया हुआ, लेकिन इस बार मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। एक ही चीज को समझो बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर समझ गए तो। यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चे, कॉपर सल्फेट लिया हुआ, चलो आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। तो ये जो है आपका CuSO4 है, अब दोनों के अंदर मैंने वही रॉड इंसर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने जिंक रॉड ले लिया है और यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चे, कॉपर रॉड ले लिया है। समझते चलो एक चीज को। अब मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, ये है कॉपर रॉड और ये क्या बच्चे, जिंक रॉड है। इन दोनों को मैंने एक एमीटर के थ्रू बोलो या गैलन वोल्टमीटर के थ्रू बोलो, मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ऐसे एमीटर ले लेता हूं। इसका काम क्या है,
इसका काम सिर्फ ये है कि भाई जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो ये दिखाएगा। एमीटर आपने 10th में पढ़ा होगा, एमीटर का यूज क्या होता है? टू चेक द करंट इन द सर्किट, बराबर ना, या टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये करंट दिखाने वाला है। चलो अब क्या होता है, जैसे ही ये प्रोसेस हम रखते हैं, जैसे ये जिंक रॉड को मैं जिंक सल्फेट में डालता हूँ, कॉपर रॉड को मैं कॉपर सल्फेट में डालता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चे, टूटना स्टार्ट हो चुका है, ये टूटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये पतला हो रहा है। तो ये क्या है? ये आप बोलेंगे सर ये जिंक है, ऑफकोर्स ये जिंक जो है टूट के इसके अंदर आ रहा है, और इसके अंदर पहले से ही जेड एन टू प्लस आयन था। कैसे? ये सोल्यूशन में दिखाई दे रहा है कि ना आपको, जेड एन टू प्लस और एसओ फोर का इस समय इक्वल अमाउंट होंगे। स्टार्टिंग में जिंक टू प्लस और एसओ फोर का इक्वल अमाउंट होगा इस सोल्यूशन के अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे जिंक टूट के इसके अंदर आ रहा है टू प्लस आयन के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक टू प्लस का जो अमाउंट है बच्चे, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और जितनी बार जिंक टू प्लस इसके अंदर आएगा, उतना इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर जाएगा। टू इलेक्ट्रॉन। एक समय तो ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन से पूरा भर जाएगा रॉड। अब ये तो आपने लिया है मेटालिक वायर ही तो है आपका, ये क्या है बच्चे, मेटालिक वायर है। ऐसा तो नहीं कि आपने प्लास्टिक लिया हुआ है, ये आपका मेटालिक वायर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा। ध्यान से सुनो जरा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे, धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब मेटालिक वायर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस वायर में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप देख सकते हो कहां जा रहा है, सबको यहां तक समझ में आया? और आप मुझे बताओ कि इसके नीचे ये जो पूरा सोल्यूशन दिख रहा है, ये सोल्यूशन किसका हो गया पूरा का पूरा, ये सोल्यूशन पूरा का पूरा इस समय जिंक टू प्लस का हो चुका है, मतलब सल्फेट आयन जो है कहीं कहीं बहुत कम हो गए, सल्फेट आयन कहीं कहीं क्या हो गया बच्चे, बहुत कम हो गया। पिक्चर क्लियर है? पिक्चर सबको क्लियर समझ में आया? अब जरा सोचो कि जब ये जिंक टू प्लस यहां पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब ये रॉड पूरा क्या बन चुका है, नेगेटिव बन चुका है, जिसको हम यहां पे नाम देंगे एनोड बन चुका है। क्या बन चुका है बच्चे इस केस में, इसको हम एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड, जो कि नेगेटिव रॉड होता है। मैं यहां पे नेगेटिव का साइन दिखा दे रहा हूं। पिक्चर क्लियर हुआ? एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, आपको पता है कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉपर टू प्लस और एक होता है सल्फेट टू माइनस। क्लियर है? अब सोचो कि जैसे ही इसके पास, इस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएंगे, देखो जरा, वैसे ही ये जो कॉपर टू प्लस है खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा भाई? क्योंकि कॉपर टू प्लस जो है बच्चे, अगर इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बन जाता है नॉर्मल कॉपर, यस और नो, ये बन जाएगा नॉर्मल कॉपर। तो इसका मतलब ये कॉपर सॉल्यूशन में से निकल के फटक से इस रॉड के ऊपर चिपक जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और खुश हो जाएगा। तो मतलब यहां पे जो कॉपर टू प्लस का आयन और सल्फेट टू माइनस का आयन जो स्टार्टिंग में इक्वल थे, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे, न्यूट्रल होते तो बच्चे दोनों का अमाउंट सेम होता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेगा वैसे ये कॉपर यहां से निकलेगा और यहां पे जाके चिपकने लगेगा। क्यों चिपकने लगेगा? क्योंकि बच्चे कॉपर टू प्लस को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए रहता है? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या होगा, रॉड की तरफ भागेगा, मतलब यहां से कॉपर का आयन शिफ्ट होकर रॉड के ऊपर जा रहा है। तो इस सोल्यूशन में किसका अमाउंट बढ़ गया जरा बताओ मुझे, इस सोल्यूशन में कहीं ना कहीं एसओ फोर का अमाउंट क्या होगा बच्चे, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग में समझो कि 50-50 दोनों के आयन थे, कॉपर टू प्लस 50 था और ये भी 50 था, लेकिन अब यहाँ पे 25 इसके ऊपर चला गया तो बचा कितना, 25 और ये कितना है, ये 50 का 50 ही रहेगा, एसओ फोर अभी भी 50 का 50 है, मतलब एसओ फोर का अमाउंट बढ़ चुका है। क्लियर है सबको? एक एक चीज समझ में आ रही है? अब जरा सोचो कि ये जो कॉपर है बच्चे, ये पूरा का पूरा प्लस लेके अपना इसके पास जाता है, ये पूरा का पूरा प्लस लेके इसके पास जाता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद खुद को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब ये टू प्लस इसका कैंसिल हो गया, ये टू प्लस क्या होगा यहाँ पे आके कैंसिल, जीरो हो जाता है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव के करस्पॉन्ड में, मतलब इस नेगेटिव के करस्पॉन्ड में कहीं ना कहीं क्या दिखाएगा, पॉजिटिव नेचर दिखाएगा। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से इसको हम बोलते हैं कि भाई ये कैथोड दिखा रहा है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट। जब जिंक यहाँ से टूट के, देखो ये ऐसे खट से टूटा, नीचे आ गया, कुटुक नीचे आ गया, कुटुक टूटा नीचे आ गया, समझ रहे? चौक कैसे होता है, पानी डाल दे तो थोड़ा सा गल जाता है, वैसे ये बच्चे रॉड क्या होगा, गल के नीचे आ रहा है। जब ये गल के नीचे आएगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आके रॉड पे चिपक जा रहे हैं ऊपर वाले रॉड पे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे आएंगे वैसे कॉपर को क्या होगा, एक बोलते ना एक उम्मीद की किरण दिखाई देगा, अरे मुझे इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई तो आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में आगे जाएगा, जैसे ही आगे जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा बच्चे जीरो, कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई नेगेटिव के कंपेयर में इस रॉड के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, तो नेगेटिव के कंपेयर में इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, मतलब नेगेटिव से ज्यादा ही है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव मानते, इसको कैथोड मान लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। क्या समस्या बनी हुई है कि इसके अंदर जिंक टू प्लस का आयन बढ़ते जा रहा है और इसके अंदर सल्फेट आयन जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जैसे फ्लो करेगा वैसे ही
पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करने लगता है। आपने ये पढ़ा होगा आपके लोअर क्लासेस में, आपने टेंथ में पढ़ा होगा करंट का डायरेक्शन क्या होता है। करंट का डायरेक्शन होता है भाई अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जनरली नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जाता है? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल रूल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन वो जाता, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब कि ये क्या करेगा, ये फटाफट डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये एमीटर क्या करेगा बच्चे, डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा, भाई करंट जा रहा है इस तरफ, ठीक है। मतलब ये बात तो हमें प्रूफ मिल गया कि भाई ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। जो हमें चाहिए था वो मिल गया, जो हमें चाहिए था वो मिल गया, एकदम क्लियर है सबको, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब लेकिन अभी भी क्वेश्चन अटका हुआ है। क्या अटका है क्वेश्चन, कि जरूरी तो नहीं कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन इसके पास जमा ही होते रहेंगे, क्योंकि क्या होगा मालूम है, एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा सॉल्यूशन जिंक 2 प्लस से भर जाएगा, पूरा जिंक 2 प्लस है। अब अगला जिंक 2 प्लस अगर इसके पास आना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतना जिंक 2 प्लस हो चुका उस सॉल्यूशन में कि अब वो रिपेल करने लगेंगे दूसरे को। जैसे जिंक प्लस 2 जैसे जंप करने के लिए अंदर जा रहा है, देखिए अगर यार इसके अंदर बहुत क्राउड है, ऑलरेडी जिंक प्लस 2 इतना भरा हुआ है, मैं कहां जाऊं, जगह ही नहीं है, तो मतलब कि ये जिंक 2 प्लस यहां पे आने के लिए मना कर देगा। जो नीचे वाले लोग हैं ना उसको मना कर देगा, तू मत भाई बहुत क्राउड है यहां पे। बात सही है, बात सही है कि नहीं सही है? अब दूसरा यहां पे देखो जरा, जब ये 2 प्लस कॉपर 2 प्लस धीरे धीरे कम होते चले आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉपर 2 प्लस यहां पे आ गए, तो ये SO4 का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। जब इसका माइनस बहुत ज्यादा होगा तब ये कॉपर को पकड़ने की कैपेसिटी रखने लगेंगे। पहले क्या था, इक्वल था, तो सल्फेट के पास इतना पावर नहीं था कि वो कॉपर को पकड़ सके, क्योंकि अमाउंट इक्वल था। धीरे धीरे कॉपर कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, एक समय ऐसा कि कॉपर बहुत कम हो गया और सल्फेट इतना ज्यादा हो गया उसके कंपेयर में कि सल्फेट के पास वो पावर आ चुकी है कि आप कॉपर के ऊपर मैं अटैक कर सकता हूं। कॉपर क्यों जाएगा, कॉपर प्लस है ना, अपना प्लस रिड्यूस करने के लिए वो यहां जा रहा है, प्लस अपना हटाने के लिए वो यहां जा रहा है, इस रॉड के ऊपर आ रहा है। लेकिन सल्फेट माइनस है, सल्फेट माइनस क्या बोलेगा, भाई मैं माइनस हूं और तू प्लस है, तो तू भाग किधर रहा है, मेरे साथ रह, चल, आ रहा समझ में? इसका मतलब कि यहां पे सल्फेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब कॉपर चाहकर भी यहां पे नहीं जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये दोनों केस नहीं यूज हुए, मतलब यहां से जिंक नीचे नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है अगर उसको कॉपर लेगा नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं हो पाएगा। तो मतलब दोनों प्रोसेस अपने आप क्या होंगे, एक सर्टन टाइम के बाद बंद हो जाएंगे, एक सर्टन टाइम के बाद दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इन दोनों प्रोसेस को चालू रखने के लिए, इन दोनों प्रोसेस को चालू रखने के लिए बच्चे यूज आया सॉल्ट ब्रिज। ध्यान देना जरा, क्या डेवलप किया गया, सॉल्ट ब्रिज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया। दिखाता हूं क्या है, बहुत इजी है। सॉल्ट ब्रिज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया, जरा देख लो यहां पे, इस तरह से दिखता है ये यू शेप्ड, ठीक है, यू शेप्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम था सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम था बच्चे, सॉल्ट ब्रिज नाम था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको मैंने कंडीशन बता दिया कि दो समस्याएं हमारे सामने आ चुकी थी, कि जैसे ये रिएक्शन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक समय ऐसा है कि भाई जिंक नीचे आने के लिए मना कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना पॉजिटिव चार्ज नीचे भर चुका है कि उसको रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा तो करंट मिलेगा नहीं। तो ये प्रोसेस एक सर्टन टाइम के लिए फिर इसका मतलब हुआ, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बोल सकते हम लोग। तो इन प्रोसेस को लॉन्ग टाइम तक बनाने के लिए क्या किया गया, सॉल्ट ब्रिज लेकर आया गया। सॉल्ट ब्रिज का एक एंड जो है मैंने इस सॉल्यूशन में डाला और दूसरा एंड मैंने इस सॉल्यूशन में मैंने डाल दिया। मतलब अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं एक्चुअल में तो ये कुछ ऐसा आएगा, जरा देख लो, ये एनोड एनोड जरा मैं हटा देता हूं, यहां पे लिख लेता हूं आपके लिए एनोड, एनोड मतलब नेगेटिव, यहां पे लिख लेता हूं, चलेगा। देखो सॉल्ट ब्रिज का मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से मैंने यूज करना है मुझे। तो ये मैंने यहां पे डाल दिया एक, इसका एक एंड सबको दिखाई दे रहा है, दूसरा एंड मैंने यहां पे डाल दिया। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, देख लो जरा इस तरह से मैंने सॉल्ट ब्रिज को यहां पे यूज किया। क्लियर है, ये सॉल्ट ब्रिज है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, सॉल्ट ब्रिज है। ऊपर लिख देता हूं मैं भाई, ये सॉल्ट ब्रिज है, पहले समझ लो अच्छे से, ये सॉल्ट ब्रिज है। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन ये कि सर सॉल्ट ब्रिज करेगा क्या, क्या खासियत है सॉल्ट ब्रिज की, ऐसा क्या काम करने वाला है सॉल्ट ब्रिज? तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैं बच्चे कोई स्पेसिफिक सॉल्ट लेने वाला हूँ, लाइक KCl ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KCl ले सकता हूँ, या फिर NH4Cl ले सकता हूँ, ये कंटेंट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ सॉल्ट लेने वाला हूँ, और वो सॉल्ट क्या होंगे, जब वो टूटते हैं, मतलब जब वो प्लस माइनस के फॉर्म में टूटते हैं बच्चे, ध्यान देना जरा, जब ये प्लस माइनस का फॉर्म में टूटेंगे तब वो क्या करेंगे, आपको दिखाता हूं मैं। एग्जांपल के लिए सोचो कि जब मैंने इसके अंदर KCl डाला है, KCl सॉल्ट है, इसको हम लोग डालते हैं एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं अगर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चे, अगर सॉल्यूशन, अगर एक कंपाउंड का नाम है जिसका एक पाउडर लेते हैं उसके साथ में हम KCl मिला देते हैं तो KCl हमारा टूटने लगता है, एकदम सिंपल सा समझ लो। अगर सॉल्यूशन अगर एक पाउडर के फॉर्म में होता है जिनके उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें KCl डाल देते हैं, जब KCl डालेंगे तो K प्लस और Cl माइनस में क्या होगा बच्चे, टूटने लगेगा। क्लियर है यहां तक? जब ये टूटने लगेगा तो Cl माइनस और K प्लस के फॉर्म में टूट जाएगा। क्लियर है, जरा देख लो पहले यहां तक,
डन। चलो अब जरा देख, जरा ध्यान देना बच्चे, जब ये टूटेगा ना तो ये के प्लस और सी एल माइनस के फॉर्म में टूटेगा, के प्लस और सी एल माइनस के फॉर्म में टूट गया। लेकिन इसमें कौन सी चीज ज्यादा है बच्चे, इसमें सल्फेट बहुत ज्यादा है, सल्फेट कौन सा चार्ज है, सल्फेट माइनस चार्ज है। इसमें कौन सी चीज ज्यादा है, इसमें जिंक टू प्लस ज्यादा है। तो बताओ ये जो प्लस वाला पार्ट है, के प्लस वाला पार्ट है, वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होते हुए कहां जाएगा, नीचे जाएगा इस सोल्यूशन के अंदर। क्यों, क्योंकि इसमें सल्फेट आयन जो है माइनस चार्ज बहुत ज्यादा है और के क्या होता है, प्लस होता है। तो ये इसके नीचे उतरेगा और इस सल्फेट आयन को क्या करेगा, रोकेगा, उसको बैलेंस करेगा। भाई सल्फेट आयन में माइनस बहुत ज्यादा है ना, माइनस बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉपर को क्या करेंगे, होल्ड कर रहे हैं, कॉपर को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर को पकड़ रहे हैं कि तू इलेक्ट्रॉन लेने मत जा। लेकिन जैसे ही के प्लस आएगा तो के प्लस आके सल्फेट को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, बोलेगा भाई उसके पीछे क्यों पड़ा, मैं आ गया, मेरे पीछे पड़ा भी तू, ले आ गया मैं तेरे सामने। तो के प्लस जैसे आएगा वैसे ही सल्फेट को एक माइनस, सल्फेट माइनस था उसको के प्लस मिल गया, तो सल्फेट और के मिलके तुम्हारा एक सॉल्ट बन जाएगा और सोल्यूशन बन जाएंगे, वहां पे केटोसोफोर बन जाएंगे और कॉपर वापस से फ्री हो गया, कहां पे जाने के लिए, इस रॉड पे जाने के लिए फ्री हो गया, कॉपर के ऊपर से सल्फेट का ध्यान हट गया। क्लियर हो रहा है, वैसे ही ये जिंक बहुत ज्यादा है ना बच्चे यहाँ पे टू प्लस के फॉर्म में, तो ये सीएल माइनस इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू अंदर आएगा और जिंक को बोलेगा भाई दूसरे जिंक को आने दो क्योंकि मैं आ चुका हूं, हर एक जिंक जितने भी जिंक टू प्लस है सबको मैं बैलेंस कर दूंगा। तो ये सीएल माइनस बहुत सारा आएगा यहाँ पे और हर एक जिंक को क्या करेगा, बैलेंस करते चला जाएगा। तो जब बैलेंस करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑटोमेटिक होगी, नीचे बच्चे कम हो जाएगी, तब ये रॉड क्या होगा, वापस से टूट टूट के नीचे गिरने लगेगा। बोलो पूरा प्रोसेस समझ में आया, पूरा प्रोसेस समझ में आया कैसे हो रहा है। अब इसमें बोलेंगे सर रेडॉक्स का क्या काम है, बता दो रेडॉक्स का क्या काम है। पहले केस में क्या हुआ बच्चे, अगर जरा देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ कि जो जिंक था वो एक्चुअल में बन गया जिंक टू प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके, और राइट हैंड साइड में यहां पे लिखता हूं मैं, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ कि जो कॉपर जो पहले से ही आयन था, ये पता है कॉपर आयन था सल्फेट के फॉर्म में, कॉपर टू प्लस और सल्फेट टू माइनस, उसने दो इलेक्ट्रॉन लिया और वो बन गया कॉपर के फॉर्म में। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक जो है बच्चे वो जीरो से क्या बन गया, प्लस टू बन गया, आपको रेडॉक्स में आप ये सब पढ़ी रहे हो बचपन से, ठीक है कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और इसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता हुआ नजर आया मुझे, क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये कॉपर टू प्लस था, यहाँ पे कॉपर जीरो हो गया, मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे क्या दे रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं क्या हो गया, रिडक्शन हो चुका है। बोलो कोई कंफ्यूजन है कि इसका मतलब ये हुआ कि यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, कहाँ पे गया, जिंक कॉपर सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। मतलब जो मैं घड़ी होती है ना, घड़ी वॉच, ठीक है, वॉल वॉच की बात कर रहा हूँ, वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दीवार घड़ी की बात कर रहा हूँ, उसमें जो हम सेल लगाते हैं या जो अपने रिमोट में सेल लगाते हैं बच्चे, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो रेडॉक्सिडेशन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, रेडॉक्सिडेशन के थ्रू होती है, समझ में आ रहा है। तो ये रेडॉक्सिडेशन जब होता है तब जाके ये सारा प्रोसेस होता है और आपको पूरा आंसर मिलता है। बोलो कोई कन्फ्यूजन है किसी को कहीं पर भी, कितना अच्छा, कितना मजा आ रहा है देख के, मतलब ये डायग्राम भी कितना ईजी लग रहा है आपको, है कि नहीं, और एक कॉन्सेप्ट भी कितना इजी लग रहा है, जरा चेक करो, कोई डाउट है किसी को। इसको हम बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जिंक को जिंक से रिलेट कर रहा है, कॉपर से कॉपर को रिलेट कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम बोलते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ, जो कि आप पहले से जानते हो ये कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ, सही बात है। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ हुआ, प्लस अगर आप इसको देखें तो ये एनोड साइड वाला कंटेंट है, तो ये एनोड हाफ रिएक्शन भी इसको नाम बोलते हैं कहीं कहीं पे, एनोड हाफ रिएक्शन भी बोला जाता है। बेहोश मत हो ना बच्चे, कि ये सब क्या आ रहा है सर, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे हम कि ये कैथोड हाफ रिएक्शन हुआ, कैथोड हाफ रिएक्शन हुआ। कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में, कोई डाउट है बच्चे, किसी को भी कहीं पे डाउट है कंसेप्चुअल पार्ट में, कोई डाउट है तो बोलो मुझे कमेंट बॉक्स में, लिखो आपके सर ये पर्टिकुलर पार्ट पे डाउट है, ये नहीं समझ में आ रहा है, वापस से मैं एक रफली रिपीट कर रहा हूँ फटाफट, ताकि जो लोग बिल्कुल बोलते हैं ना ब्लैंक हो जा रहे कि सर क्या हो रहा है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आप क्या लेता हूँ बच्चे, मैं दो बीकर ले रहा हूँ, दोनों बीकर के अंदर मैंने एक के अंदर मिला है जिंक सल्फेट, दूसरे अंदर मिला है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट में जिंक रॉड डाला है, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड डाला है। जिंक सल्फेट का मतलब है Zn2+ और SO4 2- का आयन है, कॉपर सल्फेट का मतलब है कॉपर 2+ और SO4 2- का आयन है। अब ये जिंक जो होता है टूट टूट के नीचे गिरता है, जब ये टूट टूट के नीचे गिरेगा बच्चे, क्योंकि जिंक जो रॉड होता है वो जनरली क्या होता है आसानी से, या मैंने आपको पहले बताया ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से होने वाला रिएक्शन, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है बच्चे
ये जिंक के अंदर अप्लीकेबल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब ये लेक्चर का स्टार्ट मैंने स्टार्टिंग किया था कि जिंक रॉड जो होता है जनरली उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है वो खुद से टूट टूट के सॉल्यूशन में गिरने लगता है, तो वो उसका यूज हम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कहां पे गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल के अंदर, उसका यूज हम करेंगे डैनियल सेल के अंदर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जिंक रॉड लिया हुआ जो कि पहले वो टूट के निकल रहा है। आप बोले सर कॉपर टूट के क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि कॉपर के अंदर वो प्रॉपर्टी नजर नहीं आई थी। तो ये जो होता है बच्चे, ये जो होता है, ये जो जिंक रॉड है टूट के नीचे गिर रहा है, और आपने अगर देखा भी होगा, ठीक है, ये देखो जरा, मैंने लास्ट टाइम ना मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था, तो उस रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी जिंक का रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर टू कॉपर ज्यादा होता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये दिख रहा है बच्चे, मैंने ट्रिक बताया था आपको, कहो ना क्या मांगो अल्लाह जी से, तो उसमें जिंक जो है बच्चे सबसे पहले आ रहा है, नीचे इसके बाद कॉपर आता है। आप जरा चेक करो लास्ट लेक्चर, आपको देखें तो आपको समझ में आएगा। तो मतलब जिंक का जो रिएक्टिविटी वो कंपेयर टू कॉपर ज्यादा है, इसलिए जिंक पहले रिएक्शन करके टूट जाएगा। पिक्चर क्लियर हुआ? हर एक चीज समझा रहा हूं मैं। तो जब ये टूट के नीचे गिरेगा ना बच्चे, तो ये जिंक रॉड सॉलिड था, अब वो पानी बन गया, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो मतलब वो 2+ आयन क्या गया, उसने 2+ आयन बन गया, 2+ आयन का मतलब एक्वियस सॉल्यूशन में। तो ये सॉलिड से एक्वियस सॉल्यूशन हो चुका है, सॉलिड से क्या बन चुका है बच्चे, एक्वियस सॉल्यूशन, जबकि ये क्या था, एक्वियस सॉल्यूशन से सॉलिड बन चुका है। ये कुछ इस तरह से हो रहा है, जब ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाके एक्वियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके रॉड पे चले जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी भर जाएगा, भाई रॉड की कैपेसिटी भी तो लिमिटेड होगी, ऐसा तो नहीं कि रॉड एकदम अनलिमिटेड है, कितना इलेक्ट्रॉन डालते जाओ, नहीं, एक फिक्स रॉड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी फिक्स होगी, कितना अमाउंट तक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, इसके ऊपर होगा तो फिर ये बाहर निकलने लगेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है बच्चे, तब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा है आपके लोअर क्लासेस में 10th में, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, बस मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। आ रहा समझ में? बाकी प्रोसेस, अब ये इलेक्ट्रॉन को लेता कौन है, कॉपर लेता है, बाद में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी, वो मैंने आपको बीच में बताया कि 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे यहाँ पे, यहाँ पे जिंक 2+ आयन बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से दूसरा जिंक का जो मेटल था वो टूट के नीचे आने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो आयन बनना रेडी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जब देखा गया नीचे बहुत क्राउड है तो आने के लिए रेडी नहीं था। और यहाँ पे कॉपर को सल्फेट खींच के अपने पास रोक रहा था, क्यों रोक रहा था, क्योंकि भाई सल्फेट का इतना ज्यादा हो गया कि उसके पास कैपेसिटी आ गई रोकने की। तो इन दोनों को हटाने के लिए मैंने सॉल्ट ब्रिज यूज किया, सॉल्ट ब्रिज में मैंने KCl या फिर NH4Cl कहाँ लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे NH4Cl को मैंने अगर सॉल्यूशन में डाल दिया, और उसके बाद ये आयन में टूट जाते K+Cl- में, K प्लस क्या करेगा, इस माइनस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खत्म करेगा, और Cl माइनस इस प्लस को खत्म करेगा, और जिसकी वजह से ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। बोलो समझ में आया? पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हुआ बच्चे? कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर हमें अंडरस्टैंडिंग तो आ गया, आप ये रिएक्शन दिखा दिया, हमें बहुत मजा आया देख के, अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे कहां से और क्या लिखेंगे? तो इस वीडियो के साथ में मैं एक और अटैचमेंट देने वाला हूं, जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर मैं आपको समझा के बताऊंगा, ठीक है? तो एक थोड़ा सा बोलते हैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसा, मतलब एक वीडियो ऐड करूंगा इसके साथ में, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आपको टेक्स्ट बुक का जो पेज रहेगा वो वहां पे ले जाऊंगा, क्योंकि बच्चे पूरा थ्योरी लिखना ना मतलब सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने बता दिया। अब इसके साथ में मैं वो क्या करूंगा, जो टेक्स्ट बुक का जो पार्ट रहेगा वो मैं ऐड कर दूंगा। अब एक चीज और समझ लो कि जब एक बार ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस बन जाते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो कॉमन सी बात है, देखो एक बन गया प्लस और एक बन गया माइनस, या मैं उल्टा ले लेता हूं, जैसे इसको आपने बोला है माइनस और इसको बोला है प्लस, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब ये एनोड है ये कैथोड है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एनोड और कैथोड। तो बच्चे इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपने 10th में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दो रॉड के बीच में, मतलब इन दो रॉड के बीच में आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसी को हम बोलते हैं भाई ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड का मतलब ये जो रॉड आपने यूज किया है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प हो रहे हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ रहा है? उनके बीच का वोल्टेज, यार हर एक बैटरी का अपना खुद का एक वोल्ट होता है ना 1.5 वोल्ट, क्या होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। घड़ी का सेल लेके देखो वहां पे लिखा है वो 1.5 वोल्ट, क्या होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब दो रॉड उसके अंदर भी होंगे, आप तोड़ेंगे ना कभी सेल को उसके अंदर भी रॉड मिलेंगे आपको, पतले पतले दो रॉड मिलेंगे, ठीक है। तो वो रॉड डिपेंड करता है कौन सा रॉड हो सकता है, जिंक कॉपर भी हो सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे एग्जांपल दिए, निकल सिल्वर हो सकता है, क्रोमियम लेड हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कौन सा रॉड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कौन सा रॉड कंपनी यूज कर रही है। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी, कोई कंफ्यूजन बच्चे? तो यहां पे मैं स्टॉप कर रहा हूं बोर्ड वाला पार्ट, लेकिन इसके आगे मैं मर्ज करूंगा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो वीडियो रहेगा, और फिर आपको मैं जो है कि अगले लेक्चर में मिलूंगा, फिर लेक्चर नंबर 11 में। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन है, प्लीज 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 इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बच्चे, मैं आपके लिए बहुत बहुत बोलते ना कि ट्राई करता हूँ कि 11 के बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर खत्म रहेगा तो मैं चैप्टर नंबर 2 लेकर आ रहा हूँ एज पर योर डिमांड, बहुत से लोगों ने बोला सर चैप्टर नंबर 2 लेकर आओ, ठीक है चैप्टर नंबर 2 इसके बाद लेकर आने वाला हूँ, तो ये चैप्टर का लास्ट कंटेंट है सिर्फ। इसके बाद क्या बचा है,
एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ चाहिए तो, या तो ऐसे तो मैं टेक्स्ट बुक में ऐड करने वाला था, तो चलो टेक्स्ट बुक में बताता हूँ आपको मैं, ठीक है आपको इजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब अगर टॉपिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा है ना आपको, ये आपको अलग अलग वैल्यू मिलता है, जैसे 1.5 वोल्ट मिल गया, ठीक है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर पे मिलता है। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये जो अंदर सोल्यूशन जो भरते हैं हम लोग, जब वो 1 मोल होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो 1 मोल होगा, जब आपका प्रेशर जो अप्लाई करेंगे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या फिर 1 bar प्रेशर होगा, और जो टेम्परेचर मैं अप्लाई करूंगा वो अप्रॉक्सिमेटली 298 केल्विन के आसपास होगा, मतलब रूम टेम्परेचर। ये 3 कंडीशन जब मैं लेता हूं तो उसके थ्रू जो पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है सबको? मतलब स्टैंडर्ड का मतलब है हर एक चीज एकदम स्टैंडर्ड फिक्स होनी चाहिए, आप चेंज नहीं कर सकते। इस केस में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं, मुझे ज्यादा करंट चाहिए तो मैंने क्या किया बच्चे, सोल्यूशन बढ़ा दिया मैंने, ठीक है रॉड मैंने ज्यादा ले लिया, वहां पे हर एक चीज फिक्स रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। सोल्यूशन 1 मोल होना चाहिए आपका, टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन के आसपास होना चाहिए, ठीक है या 293 बताऊंगा आपको मैं, 298 के आसपास ही है। फिर उसके बाद जो आपका प्रेशर रहेगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा या फिर 1 bar प्रेशर रहेगा, तो उसके थ्रू जो हम जनरेट करते हैं पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम E0 से दिखाते हैं, मतलब E0 से। तो E0 क्या होता है बच्चे, E0 किसका सिंबल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल है। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी देख लो, जरा देख लो, क्लियर एकदम चलेगा। तो ये टॉपिक भी मैंने कवर कर लिया, टेस्ट बुक में आपको मैं रफली गो थ्रू कर दूंगा चाहिए तो, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा, आगे मैं इसके आगे टेस्ट बुक का पार्ट मर्ज करने वाला। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, बहुत अच्छे। हेलो एवरीवन, यस बच्चे मैं आप कंटिन्यू कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से। टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में अलग दिया हुआ है बच्चे, आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जो नोट्स के बोलते हैं सर हमें नोट्स नहीं मिला प्रॉपर, तो बच्चे ये पूरा कंटेंट एक्चुअली टेक्स्ट बुक का को ही फॉलो करो, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, जो बड़े इसके आंसर्स हैं वो मैं आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉपर समझा देता हूँ कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। देखो जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये टाइटल है, इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये जो रिएक्शन है वो क्या दिया है बच्चे, कि जब कभी भी आप कोई कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ध्यान देना जरा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4 का सोल्यूशन और उसमें आप जिंक रॉड डाल रहे हो, ये स्टार्टिंग का सिचुएशन जो मैंने आपको बताया था, ये तब का सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है वही चीज़ है कि द सिंपलर मेथड टू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन इज टू टेक कॉपर सल्फेट फ्रॉम द सोल्यूशन कंटेनर एंड डीप जिंक रॉड, मतलब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आप जिंक रॉड डालते हैं तब आपको ये रिएक्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया था, इसको डायरेक्टली कॉपर सल्फेट में जिंक नहीं डाला गया था, ठीक है। इंप्लीमेंट करने के लिए आपने क्या किया, डैनियल सेल का यूज़ किया, जो आपको अगले पेज पे मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये डायग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होने वाला है, ये आपने देखा है, सॉल्ट ब्रिज यूज़ करने वाले नो डाउट, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड आप यूज़ करने वाले हो जिंक सॉल्ट सोल्यूशन में, ध्यान देना इस बात को, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन में, इसको कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिएक्शन आपको पता है कैसे होता है, जिंक का कन्वर्जन होता है जिंक 2+ आयन में और कॉपर 2+ का कन्वर्जन होगा बच्चे कॉपर में, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है इसके आगे। चलो ये बहुत सारा थियोरी लिखा हुआ है लेकिन आपको थियोरी बहुत ईजी लगेगा अगर आप समझ गए तो। तो बच्चे इसका थियोरी क्या मैं आपको बता दूं, जरा एक एक चीज को समझते चलो, बहुत ईजी है। क्या होता है देखो, 6.1 फिगर, मतलब जो पहले मैंने आपको समझाया फिगर वही उसी फिगर की बात कर रहा है, वो डैनियल सेल का फिगर था जिसमें जिंक कॉपर प्लेट मैंने कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट किया हुआ है, स्विच कनेक्ट किया हुआ है, वोल्टमीटर लिया हुआ है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली आपको एमीटर बताया लेकिन आप ये सब भी कनेक्ट कर सकते हो, सेम चीज़ है, ये सिंपल सर्किट होता है। सोल्यूशन जो होता है बच्चे उसमें 2 कंटेनर होते हैं भाई, एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, KCl और NH4NO3। आप NH4NO3 की जगह पे NH4Cl भी ले सकते हो, मैंने ये आपको बताया था, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, अगर सोल्यूशन में मिला देते हैं, अगर सोल्यूशन एक नाम होता है सोल्यूशन का जिसमें हम मिला देते हैं। अब जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिक स्विच में ऑन करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यार कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कंप्लीट हो गया और मैं देख रहा हूँ कि डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, वोल्ट मीटर या एमीटर मैंने लिया था तो एमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ऐसा क्यों हुआ, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी समझाया था, वो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रिपीट हो जाएगा कि सर्किट के पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है भाई जिसमें वन ऑफ द पार्ट में, तो यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ आपके लिए कि देखो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स विच फॉलोज अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्ट जो होता है बच्चों क्या करता है सोल्यूशन में सॉल्व ब्रिज को हम जोड़ देते हैं। अब सोल्यूशन जो होता है कहीं ना कहीं दिखाता हूँ मैं आपको, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय द मोमेंट ऑफ आयन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेन सर्किट इज कंप्लीट तब जिंक एटम और या जिंक प्लेट स्पॉन्टेनियसली लूजेज इलेक्ट्रॉन, जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। जब मैं स्विच ऑन कर देता हूँ तब मैं ये देखता हूँ कि जिंक जो है अपना रॉड
वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आयन के अंदर टूटना स्टार्ट हो चुका है। और जब वो टूटेगा तो वो क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और वो रिलीज होकर कहाँ जाता है, वो जाता है जिंक प्लेट के ऊपर। देखो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द जिंक प्लेट टू कॉपर प्लेट, सही बात है, जिंक से कॉपर की तरफ क्या करेगा वो मूव करेगा, और कॉपर टू प्लस आयन क्या करेगा बच्चे, सेकंड कंटेनर जो होता है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बन जाएगा, कॉपर प्रॉपर कॉपर आइटम बन जाता है, या फिर कॉपर एलिमेंट बनकर कॉपर प्लेट पर जाकर जमा हो जाएगा। क्लियर है, हर एक चीज़ समझ में आ रही एकदम अच्छे से। तो अब आगे देखो क्या होने वाला है, ध्यान देना बच्चे, ये प्लेटफॉर्म पे मुझे इस तरह से आने की खास जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को समझ में नहीं आता कि सर टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है और यहाँ पे क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब होता क्या है कि जो कॉपर टू प्लस इन द सेकेंड कंटेनर रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कॉपर प्लेट बराबर एंड आर रिड्यूस टू कॉपर आइटम, सीधी सी बात है कॉपर आइटम बन जाते हैं कॉपर टू प्लस आयन एंड गेट डिपोजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट, और कॉपर प्लेट के ऊपर क्या होते हैं बच्चे, जमा होने लगते हैं। अब जिंक प्लेट जो होता है बच्चे वो नेगेटिव बन जाता है और कॉपर प्लेट क्या बन जाता है, पूरी तरह से कैथोड मतलब पॉजिटिव जैसा बिहेव करने लगता है। तो हमें दो हाफ रिएक्शन मिल जाते हैं, नेमली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलाउ टू टेक प्लेस इन सेपरेट कंटेनर एंड प्रोविजन इट मेड फॉर कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि सर्किट को कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये सर्किट आपका रुकने ना पाए, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था कि सर्किट रुकने ना पाए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो कि इसमें बुक में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन आप समझ जाओ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको शॉर्ट में दिया क्योंकि आप इलेवंथ में ये स्टार्टिंग पार्ट है बच्चे, ठीक है, ट्वेल्थ में ये कंटेंट वापस आएगा जहाँ पे आप डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया जो ट्वेल्थ में भी यूज़ होता है। दिस सर्किट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इंडिकेटेड बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज कॉल्ड एज डैनियल सेल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। पिक्चर पूरा क्लियर हुआ, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है हर एक चीज़, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बहुत ईजी है बच्चे। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, अगला जो होने वाला है ये उसी का पार्ट है कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेते हो तो होता क्या है बच्चे, कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होता है वो दो रॉड के बीच में स्टेब्लिश होंगे, जैसे कि मैं बोला ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ वोल्टेज आएगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों रॉड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप ये आंसर लिख सकते हैं। एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज सेट टू बी स्टेब्लिश्ड एट द टू इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है बच्चे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है समझ में आ गया, और ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में यूज होते हैं, टेम्परेचरिंग के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये टेम्परेचर कितना होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये हम रखने वाले हैं फिक्स किसके अंदर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। देखो यहाँ पे दिया है कि 298 मुझे क्या रखना होगा बच्चे, टेम्परेचर रखना होगा, जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की गई, लेकिन आपको मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 1 मोलार, तो आप 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, और टेम्परेचर ऑफकोर्स 298 केल्विन लेंगे नो डाउट, ठीक है। और साथ में जो प्रेशर होगा बच्चे वो 1 ATM बोलो या फिर 1 bar बोलो तो भी चलेगा, क्लियर। इतना अगर मैं प्रेशर लेता हूँ तो उसके थ्रू जो मुझे आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बच्चे 0.00 वोल्ट होता है, मतलब उसका बिल्कुल भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, उसको हम ई नॉट, स्टैंडर्ड को हम ई नॉट बोलते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं बल्कि सबको, जो जितने भी स्टैंडर्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ई नॉट बोलते हैं। अब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हाइड्रोजन बच्चे 0.00 होता है ना, तो ये एक रेफरेंस है, हाइड्रोजन का मैंने निकाला 0.00 होता है, तो इसी के बेस पे मैं दूसरा निकालूंगा और चेक करूंगा कि हाइड्रोजन के कंपेयर में कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि समझो इसका मैंने सबको सेट किया तो मुझे आंसर 0.00 मिला, किसी और का मैंने सेट किया तो मुझे आंसर 1 मिल रहा है, तो मैं हाइड्रोजन का भाई 0.00 मिला इस रेंज पे, तो और किसी का 1 किस रेंज पे मिल रहा है, तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सेल रिएक्शन बनाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं जो हम ट्वेल्थ में सीखेंगे, चलेगा। तो इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आगे कुछ नहीं है बच्चे, एक टेबल दिया हुआ जो तुम्हें लर्न नहीं करना होता है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। छोटा सा टेबल दिया है, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस बता के वहाँ पे दिया हुआ है, आपको याद नहीं करने होते हैं, ये लास्ट कंटेंट है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई कन्फ्यूजन होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर आंसर दूंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, मजे करो, ठीक है, और बहुत सारी पढ़ाई करो, इस चैनल को बच्चे बहुत लोगों के साथ में शेयर करो। थैंक यू।